सोलन पुलिस की विशेष अन्वेषण टीम ने 385 कैप्सूलों के साथ दो युवकों को पकड़ा है। दोनों युवक सोलन में सवाथू रोड पर स्थित फार्मा उद्योग में काम करते हैं। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस की विशेष अन्वेषण टीम ने सुवाथू रोड पर दो युवकों को प्लास्टिक का बैग लेकर जाते देखा, जिस पर शक के आधार पर उन्हें रोककर चेक किया गया तो उनके पास से 385 कैप्सूल नीले रंग के बरामद किए गए। इन कैप्सूलों के ऊपर कोई भी मार्क नहीं लगा था। पूछताछ करने पर जानकारी मिली है कि वे दोनों जिला शिमला के रहने वाले हैं और सोलन में कॉनिस फार्म प्राइवेट लिमिटेड दवा उद्योग में काम करते हैं। पुलिस अधीक्षक सोलन मोहित चावला ने बताया कि पूछताछ के दौरान पाया गया है कि ये दोनों युवक इन कैप्सूलों को बेचने के लिए ले जा रहे थे। कैप्सूलों पर किसी भी प्रकार का मार्क न होने के कारण पुलिस टीम ने ड्रग इंस्पेक्टर को मौके पर बुलाकर कैप्सूल उनके हवाले किए और ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। सोलन पुलिस नशे के किसी भी प्रकार की ट्रेड व्यवसाय, उसकी प्रोडक्शन कंजम्पशन या ट्रांजिट को लेकर और उसको कैश करने में प्रतिबद्ध है। हमें इसमें पब्लिक का काफ़ी सहयोग प्राप्त हो रहा है। काफ़ी दिनों से एक कंप्लेंट हमारे पास, एक इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि सबातू से के आसपास वहाँ से कहीं ट्रांजिट किया जाता है कुछ कैप्सूल इत्यादि या कुछ नशे का पदार्थ। हमारी स्पेशल यूनिट को आज जब इत्तला आई और उन्होंने वहाँ पे अपना जाल बिछाया तो दो लड़के वीरेंद्र और नीरज नाम के जो शिमला को बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट को, उनके पास से तकरीबन 385 कैप्सूल बरामद हुए। जब हमने उन लड़कों को उनसे गहनता से पूछताछ की तो उन्होंने हमें बताया कि वो कहाँ से ये लेकर आए हैं, क्योंकि वो यूनिट वहीं पास था। तो हमने तुरंत ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग डिपार्टमेंट को कॉल किया हमारी स्पेशल टीम ने और उनके साथ मौके पर गए हैं। अगली कार्रवाई, क्योंकि ड्रग विभाग से रिलेटेड है, उनके साथ चल रही है, क्योंकि उनको एक लाइसेंस रहता है, एक प्रक्रिया रहती है एंड दे हैव टू फॉलो ऑल द मापदंड जो दिए हुए हैं, ऑल द प्रोटोकॉल्स। अगर वो नहीं है तो सर्टनली उनके खिलाफ भी जो भी कार्रवाई विभाग द्वारा बनेगी वो कीजिएगी। बट एज फार एज सोलन पुलिस इज कंसर्न, हम ऐसे किसी भी प्रकार के ट्रेड और इसकी प्रोडक्शन को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे और इसमें स्ट्रिक्ट से कार्रवाई की जाएगी।